आप सभी का एस पॉइंट पीसीएस पे स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 16 जून 2020। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल एस पॉइंट पे उपलब्ध है। आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल एस पॉइंट पीसीएस को ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल एस पॉइंट ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। 15 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है वैश्विक पवन दिवस। जी हाँ, वैश्विक पवन दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाई जाती है। इसकी अनुशंसा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 28 नवंबर 2012 को की गई थी और तब से जो है इसकी यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्तियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस यह 22 मार्च को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस यह 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, किस सरकार के द्वारा पंचवटी योजना की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में पंचवटी योजना, ठीक है, तो पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बगीचे की सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, और इस उद्देश्य के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष यानी 2020 में 100 पार्कों का निर्माण करेगी। यह पार्क मनरेगा योजना के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें कि पार्क में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी। यहाँ पे बता दें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर हैं तथा राज्यपाल बंडारू दत्तोत्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तोत्रेय यहाँ की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 की स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए 1950 करोड़ का ऋण दिया है? सही आंसर है डी यानी पश्चिम बंगाल सरकार को। तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ की ऋण दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण कोविड-19 की स्थिति और विकासात्मक कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक चक्रवात अम्फन चक्रवात आया था, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारा हानि हुई थी, तो उसके पूर्ति हेतु भी यह राशि दी गई है। विश्व बैंक के बारे में बता दें, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि आपदा या फिर जो लंबे समय के स्थिति के लिए यह ऋण प्रोवाइड करती है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी और यह ब्रिटेन वुड सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ था। इसके वर्तमान सदस्य देश 189 हैं तथा इसके प्रेसिडेंट डेविड कमाल पासा है और सीईओ अंशुता कांत हैं। ठीक है, विश्व बैंक समूह की अगर बात करें तो विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं आती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय कंपनी जिसके द्वारा राइट्स इशू तंत्र का प्रयोग कर अतिरिक्त धन जुटाया गया? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, तो राइट इशू तंत्र का उपयोग कर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अतिरिक्त धन जुटाया है। यहाँ पे राइट्स इशू का जो तात्पर्य है वह एक ऐसे तंत्र से है जिसमें कि कंपनी अपने मौजूदा शेयरों के अतिरिक्त पूंजी जुटाती है। यह व्यवस्था वैसे कंपनी को ही प्राप्त होती है जो
स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, ठीक है, जिसमें कि ग्राहक को अतिरिक्त शेयर खरीदने का अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कोविड-19 महामारी के संदर्भ में घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप सेवा प्रारंभ की गई है, तो घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप पंजाब सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से जो आवेदक है उनको संबंधित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ इस मोबाइल एप्लीकेशन में उच्च रक्तदाब, हृदय रोग और कैंसर पीड़ित नागरिकों की सूची भी एकत्र की जाएगी। पंजाब के बारे में बता दें, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है तथा इसके वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं तथा राज्यपाल श्री VP बदनौर हैं, ठीक है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? इसका सही आंसर है ए, यानी एक वर्ष। एक वर्ष के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को की सेवा को विस्तार दिया गया है। के वेणुगोपाल का 3 साल का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा था, ठीक है। तो 30 जून को इन्होंने कार्यभार 30 जून 2017 को 3 वर्षों के लिए संभाला था, ठीक है। और ये 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे और फिलहाल अभी जो है इनको 1 साल की कार्य अवधि का विस्तार दिया गया है। यहाँ पे हम बता दें कि जो महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है वो भारतीय संविधान के 76 में इसका उल्लेख किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि भारतीय महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 7, उड़ीसा की किस नदी में जलमग्न 500 साल पुराना मंदिर पाया गया है? सही आंसर है ए, महानदी, ठीक है। उड़ीसा की महानदी में जलमग्न 500 साल पुराना नदी पाया गया है। यह 60 फीट की मंदिर है और यह करीब 500 साल पुराना है, ठीक है। ऐसा मानना है कि इसकी निर्माण 16वीं एवं 15वीं सदी में हुई थी, ठीक है। यह मंदिर कटक के पद्मावती क्षेत्र में बिंदेश्वर के पास मध्य नदी में पाया गया है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में पृथ्वी के महासागर में सबसे गहरे ज्ञात स्थान मारिया ट्रैच पर सबसे पहले पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है, तो मारिना ट्रेंच यह दुनिया का सबसे गहरा गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में है। तो यहाँ तक पहुँचने वाली जो सबसे पहली महिला बन गई है वो कैथरीन सुलिवन, ठीक है। तो कैथरीन सुलिवन ने दुनिया की सबसे गहरी गर्त मारियाना गर्त के अंतर्गत चैलेंज द्वीप पर पहुँचने वाली पहली महिला बन गई है। यहाँ पे हम कैथरीन सुलिवन के बारे में बता दें, यह अमेरिकी महिला है। इससे पहले इन्होंने 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष वॉक की शुरुआत की थी और अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक है। तो कैथरीन सुलिवन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला, इसके साथ ही साथ दुनिया की सबसे गहरे गर्त तक पहुंचने वाली ये प्रथम महिला बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न, किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में स्थित है, ठीक है। तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी
जो है वो खादी से संबंधित प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करेगी, जिससे कि इसकी उत्पादकता को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा तथा इसके बिक्री बढ़ेगी। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किसको फिलीपींस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फिलीपीन में भारत का राजदूत श्री शंभु एस कुमार को नियुक्त किया गया है। श्री शंभु एस कुमार पहले मॉरिशस के राजदूत थे। प्रश्न संख्या 11, भारत सरकार द्वारा उर्दू भाषा में विज्ञान की प्रथम पत्रिका प्रकाशित का नाम क्या है? तो उर्दू भाषा में विज्ञान की प्रथम प्रकाशित पत्रिका साइंस की दुनिया है। ठीक है, तो साइंस की दुनिया जो है इसे भारत सरकार द्वारा 1975 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था, जिसके प्रथम संपादक गुलजार देहलवी थे। ठीक है, चूंकि वर्तमान में गुलजार देहलवी का निधन हो गया है, इस कारण ये जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। गुलजार देहलवी का वास्तविक नाम आनंद मोहन ज्योति था और यह एक कश्मीरी पंडित थे। प्रश्न संख्या 12, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम को कितने स्थान पे रखा गया है? तो फीफा के द्वारा जारी जो रैंकिंग की गई है उसमें भारतीय पुरुष टीम को 108वें स्थान पे रखा गया है। पिछले वर्ष भी भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम 108वें स्थान पर ही था। पहले स्थान पे बेल्जियम है, दूसरे स्थान पे फ्रांस और तीसरे स्थान पे ब्राज़ील। फीफा के बारे में बता दें, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। इसकी हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है और फीफा वर्ल्ड कप 2018 रशिया में आयोजित किया गया था, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 पुरुषों का कतर में आयोजित किया जाएगा। तो ये थे आज के करंट न्यूज। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसके लिए hi@s.pcs कर आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।